गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करें। ऑल द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर मस्ट ज्वाइन क्लास एंड इनवाइट दिस। तो सभी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करें बेटा। जो बच्चे क्लास ज्वाइन कर चुके हैं वो अपने दूसरे साथियों को भी क्लास ज्वाइन करवाएं। आकाश वर्मा गुड मॉर्निंग बेटा। आकाश बेटा अपने साथियों को बुलाओ जल्दी से। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल वी लेक्चर। डिफरेंशियल वी लेक्चर जल्दी से मैसेज करो सभी को। बेटा कल जो हमने न्यूमेरिकल आपको कराए थे उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कल आपको सिंपल व्हील एंड एक्सेल आपको कराया था उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो। जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते रहे हैं वो बेटा जल्दी से अपने साथियों को बुलाओ। एक मिनट का टाइम आपके पास, एक मिनट बाद हम क्लास शुरू कर देंगे। क्लियर है? आज का जो टॉपिक है वो लिखिए डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल। कल आपने को कराया था सिंपल व्हील एंड एक्सेल, आज है आपका टॉपिक डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेस। इज दैट क्लियर? क्लास स्टार्ट करें बेटा। लिखो बेटा डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल। तो डिफरेंशियल का मीन्स मोर देन वन, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल व्हील एंड एक्सेल। आकाश वर्मा, मुकेश सहरावत, ललित शर्मा, ओनली थ्री कैंडिडेट आर प्रेजेंट इन द क्लास। बेटा और बच्चों को आप बुला रहे हो या क्लास शुरू करें ये बताइए। क्लास स्टार्ट करें या और बच्चों को आप बुला रहे हो? जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप मेरे को वो बताइए। और बच्चों को आप बुला रहे हो या क्लास शुरू करें? ललित, मुकेश, आकाश, मोहम्मद, मुसैब, और बच्चों को बुला रहे हो बेटा या क्लास शुरू करें?
और यहाँ पे आपका बेयरिंग लगा हुआ है इस तरह से था। ये था आपका एक्सल। अब डिफरेंशियल है, दैट मीन इसमें दो एक्सल हो जाएंगे, क्लियर है। उसमें इसमें एक एक्स्ट्रा एक्सल ऐड हो जाएगा, तो वो एक्सल यहाँ पे ऐड होगा, क्लियर है। तो इसमें इसका डायग्राम समझो सबसे पहले। सभी बच्चे डायग्राम बनाएंगे, ये क्या हो गया बेटा व्हील, ये क्या आपका व्हील, व्हील ए, ये नाम दे देता हूँ मैं इसका ऑफ डाया कैपिटल डी। ये क्या लगा हुआ है बेयरिंग, इसके सेंटर से इस तरह, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सल हो गया फर्स्ट, ओके। तो इस पे एक्सल पे क्या करते हैं हम, रोप रस्सी बांधते हैं, ओके। ये आपका वेट, यहाँ पे दूसरा एक्सल आपका, और ये रस्सी इस पे जाएगी। इस वाले पोर्शन पे एक पुली लगा के हम यहाँ पे आपका वेट लगाते हैं। ये W हो गया, क्लियर है। और ये यहाँ पे आपका बेयरिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेयरिंग। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये यहाँ पे आपकी ये रस्सी हो जाएगी। बेटा दो एक्स, देखो ये व्हील, और अगर मैं इसको इस वाले को दिखाऊँ आपको, देखो ये व्हील मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, और ये एक्सल, और ये इस पे ये वेट लग गया आपका इतना, तो ये तो आपका सेम ही रहेगा। इसमें डिफरेंशियल है, दैट मीन एक्सल डबल हो जाएंगे, सिर्फ आपको दो एक्सल लगा देने। ये एक्सल हो गया, ये एक एक्सल हो गया, इसको मैंने बी दे दिया, इसको सी दे दिया। इसका डायमीटर देखो डी वन ले लेता हूँ, और इसका डायमीटर डी टू ले लेता हूँ, कुछ नहीं है। डिफरेंशियल की मीन्स व्हील एक एक्सल दो एक्सल, ठीक है। रस्सी यहाँ पे लपेटी, नीचे आई, यहाँ पे पुली लगाई, यहाँ पे आपने वेट लगा दिया, ये रस्सी इसी पे गई, सेम रस्सी बंधेगी, ठीक है। यहाँ पे रस्सी फिक्स हो जाएगी, ये आपका यहाँ पे बेयरिंग हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे आपका बेयरिंग हो जाएगा, क्लियर है। इसका डायमीटर कैपिटल डी, इसका डायमीटर डी वन ले लिया, इसका डायमीटर डी टू ले लिया। तो ये आपका डायग्राम था, यहाँ पे आपकी एक रस्सी इस पे लगी होगी, उस पे क्या लगेगा पी, क्लियर है। आया समझ में कि नहीं आया। डिफरेंशियल मीन्स मोर देन वन एक्सल। तो आपको एक्सल एक से ज़्यादा करना था, तो मैंने एक एक्सल ये कर दिया और दूसरा एक्सल ये कर दिया, क्लियर है बेटा। तो ये आपका डायग्राम था। तो इसमें लिखो इन डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल द एक्सल यूज्ड इज ए कंपाउंड एक्सल। कंपाउंड मीन मोर देन वन, कंपाउंड एक्सल, क्लियर है। द एक्सल
is made into parts having क्या different diameter, having different dia, क्लियर है? और किस पे फिटेड रहेंगे? सेम साफ पे, तो इसमें आगे लिखो एंड इज फिटेड ऑन द सेम साफ टू विच द व्हील इज कील, सेम शॉट पे लगे होंगे दोनों, जिसी जिसमें क्या है व्हील भी आपका लगा हुआ है, ठीक है। द शॉफ्ट इज सपोर्टेड इन बेयरिंग, क्लियर है? जैसा हमने डायग्राम आपको बताया था, तो एक रस्सी जो बांधी जाती है किस पे, एक्सल वन पे और टू पे, दोनों एक्सलों पे, ठीक है। और जिसमें एक हुक लगा होता है और वही क्या काम करता है, आपका लोड कर को लिफ्ट करता है। तो इसमें लिखो ये रोप इज वाउंड अराउंड द टू पार्ट्स ऑफ द एक्सल थ्रो ए पुली, जो डायग्राम में मैंने नीचे पुली आपको दिखाई थी, थ्रो ए पुली हैविंग ए हुक, क्लियर। टू लिफ्ट ए लोड डब्ल्यू, हुक की सहायता से हम किसको क्या करेंगे, लोड को लिफ्ट करेंगे, क्लियर है। तो बेटा सिंपल में हम क्या करते, डायरेक्शन दोनों के अपोजिट रखते थे, डायरेक्शन दोनों की क्या रखते थे, अपोजिट रखते थे, कि पी की डायरेक्शन लंबी होगी तो उसकी कम होगी और पी की अगर कम होगी तो डब्ल्यू की बढ़ेगी, अपोजिट रखते हैं। तो लिखो द डायरेक्शन ऑफ वाइंडिंग इज अपोजिट इज अपोजिट टू ईच अदर, टू ईच अदर, क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, अगर एक कम होगी तो दूसरी क्या होगी, ज्यादा होगी, इस तरह से इसको रखा जाता है। अनदर रोप इज वाउंड ओवर द व्हील, व्हील पे जो लपेट आप रैप करोगे लपेटोगे वो उस पर क्या करता है, लोड को ले अप्लाइड करते हैं, सॉरी एफर्ट अप्लाइड करते हैं, वेयर एफर्ट पी इज अप्लाइड, क्लियर है, इज अप्लाइड, डायग्राम आपको बता दिया था। अब इसमें जो टर्म्स आती हैं उनको लिखिए बेटा, डी क्या था, कैपिटल डी डायमीटर ऑफ व्हील था, तो इसमें लिखो डायमीटर ऑफ व्हील ए, क्लियर है। डी वन क्या था, डायमीटर ऑफ एक्सल बी ऑफ एक्सल सी, क्लियर है। इन वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, तो इनकी जो पेरिफेरी होगी उसके बराबर मूव करेगा बेटा। तो लिखो इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ द व्हील ए, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट पी, ये कितना बनेगा पाई डी, कितनी बनेगी पाई डी,
क्योंकि डायमीटर कितना था, डी। नेक्स्ट लिखो, रोप वाउंड ऑन द लार्जर एक्सल बी, लार्जर एक्सल बी, तो बी पे कितनी रोप, फाइव डी वन। और इसी तरह से रोप वाउंडेड ऑन सी, तो सी पे कितनी आ जाएगी, फाइव डी टू। ये आपको सेम लिखना है, रोप वाउंड ऑन स्मॉलर एक्सल, स्मॉलर एक्सल, स्मॉलर एक्सल, फाइव डी टू। क्लियर है बेटा? अब देखो d1 ग्रेटर देन है, तो इसमें लिखो सिंस, क्योंकि d1 d1 ग्रेटर देन टू d2, देयरफॉर वाइंडिंग ऑफ द रो, वाइंडिंग ऑफ रो ऑन बी इज मोर देन द अनवाइंडिंग ऑन सी, अनवाइंडिंग ऑन सी, तो सी से ज्यादा किस पे रैप रहेगी, बी पे। तो कितनी लेंथ वाइंड है वो वन रिवॉल्यूशन में, तो लिखो लेंथ ऑफ रोप, देखो लेंथ ऑफ रोप विच विल वाइंड इन वन रिवॉल्यूशन, इन वन रिवॉल्यूशन, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई डी वन माइनस डी टू। क्लियर है? और हम लिख सकते हैं इसको कैसे, पाई डी वन माइनस डी टू, पाई डी वन माइनस डी टू। पाई डी वन ये प्लस नहीं है बेटा, ये डी वन माइनस डी टू है, कभी इसको प्लस लिख दो। इज दैट क्लियर? अब एक बात बताओ बेटा, ये इतनी डिस्टेंस आई लेकिन जो लोड आपका था वो यहाँ पे था इस तरह से W, और ऐसे रस्सी जा रही थी एक्सल पे, इस एक्सल पे और इस एक्सल पे, तो रस्सी दो बार हो गई ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका मतलब अगर एक मीटर मेरी रस्सी चल रही है तो आधा मीटर वो यहाँ पे चलेगी, आधा मीटर यहाँ पे, वन बाई टू मीटर यहाँ पे और वन बाई टू मीटर यहाँ पे। दैट मीन लोड कितना उठेगा, इसका हाफ आया रस्सी का, तो लोड कितना मूव करेगा, हाफ हो जाएगा डिस्टेंस थ्रू विच द लोड इज लिफ्टेड, द लोड इज लिफ्टेड कितना आ जाएगा, अभी निकाला आपने पाई डी वन माइनस डी टू, इसका हाफ। क्लियर है बेटा? ये कितना क्या है आपका, तो ये आ गया। अब वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताइए, तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। अब एफर्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी, पाई डी, कितनी पाई डी, और उसने पाई डी वन माइनस डी टू अपॉन टू, तो ये टू ऊपर चला जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, टू पाई डी अपॉन पाई डी वन माइनस डी टू। ये क्या गया, वेलोसिटी रेशियो, पाई से पाई कैंसिल,
तो आपका क्या बच गया, 2d/d-d। तो वेलोसिटी रेशियो क्या आ गया, 2d/d1-d2। दिस इज द वेलोसिटी रेशियो। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो बेटा मैकेनिकल एडवांटेज। नेक्स्ट लिखो मैकेनिकल एडवांटेज। तो आपको पता w/p और एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। क्लियर है? तो ये आपका डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल का। अब इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो बेटा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक न्यूमेरिकल लिखो। बेटा न्यूमेरिकल लिखो, सभी बच्चे न्यूमेरिकल लिखेंगे। द डाया इन ए व्हील एंड एक्सल मशीन आर 45 cm एंड 15 cm लोड 1600 newton is raised by an effort of 600 newton and efficiency percentage of machine and additional load, what additional load could have raised if the machine is frictionless। अगर मशीन आपकी फ्रैक्शन लेस हो, मशीन इज फ्रैक्शन लेस, तो उस केस में आपकी क्या लोड उसको एक्स्ट्रा उठाना चाहिए। तो बेटा आपको एक बात बता देता हूँ, मशीन कब फ्रैक्शनल लेस होगी, जब उसकी एफिशिएंसी, ये कंडीशन है फ्रैक्शनल लेस, फ्रैक्शनल लेस के लिए कंडीशन क्या है, एफिशिएंसी बराबर होनी चाहिए 100%। तो आपको जब एफिशिएंसी 100% मान के आपको W की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप इसकी एफिशिएंसी मेरे को बताइए कितनी है इसकी एफिशिएंसी। देखो जो डाटा आपको गिवन है, कैपिटल डी आपको गिवन है 45, स्मॉल डी आपको गिवन है 15 cm, सेंटीमीटर। W आपको गिवन है 1600 newton, P आपको गिवन है 600 newton। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है? तो सबसे पहले फॉर्मूला किसका होता है, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो का मैंने क्या बताया था,
कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो कैपिटल डी कितना 45, स्मॉल डी कितना 15, तो 15 से 3 टाइम दैट मीन 3। वेलोसिटी रेशियो आपका क्या आ गया 3, वेलोसिटी रेशियो क्या आया 3। सर पाई डी माइनस डी टू कैसे आया है? बेटा पाई डी माइनस डी टू ऐसे आया था कि ये पाई डी वन माइनस पाई डी टू, इसमें से पाई कॉमन ले लिया आपने, ठीक है। अच्छा तो वेलोसिटी रेशियो आपका आ गया 3। अब आपको निकालना मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज का भी फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन पी, दैट मीन 1600 न्यूटन बटे 6 8, कितना आ गया 8/3, कितना अप्रोक्सीमेट 2.66। तो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। तो ये कितना आ गया 2.66 डिवाइड बाई 3 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 88.88%। ये आपकी एफिशिएंसी आ गई, क्लियर है। अब उसने पूछा है व्हाट इज द एडिशनल लोड कुड बी राइज्ड इफ द मशीन इज फ्रैक्शनल लेस, दैट मीन एफिशिएंसी 100% आपको करनी है। तो एफिशिएंसी 100% आप करोगे तो क्या करोगे, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया, एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। क्लियर है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इनटू 100, एफिशिएंसी कितना है 100, तो 100 बराबर क्या आ गया मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, दैट मीन 100 से 100 आपका कट गया, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज क्या, W इंटू पी बराबर वेलोसिटी रेशियो कितना था 3, क्लियर है। तो W बराबर कितना आ जाएगा 3P, दैट मीन 3P कितना 600। तो उसको कितना लोड 1800 न्यूटन लिफ्ट करना चाहिए, लेकिन वो लिफ्ट कितना कर रहा है 1600 न्यूटन, तो एडिशनल कितना चाहिए, एडिशनल लोड जितना कम है ये, एडिशनल लोड कितना चाहिए 1800 माइनस 1600 कितना बच गया 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन अगर ये मशीन और एक्स्ट्रा लोड लिफ्ट करे तो ये क्या बन जाएगा, फ्रैक्शनल लेस। बेटा आप किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट करो, अदरवाइज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। डाउट करो जो भी है वो कमेंट करो। बेटा देखो ये कह रहा है कि माइनस क्यों हुआ, कि उसको 1800 न्यूटन चाहिए उठा, उसकी जब एफिशिएंसी कितनी हो 100%, क्लियर। लेकिन एक्चुअल में वो कितना लिफ्ट कर रही है 1600, तो कितना लोड एक्स्ट्रा चाहिए, इसको इसमें से घटाएंगे तो 200 न्यूटन अगर वो उठा और एक्स्ट्रा उठा दे तो ये 1600 1800 नहीं हो जाएगा, इसलिए माइनस हुआ, क्लियर है। कि भाई 1800 उसको उठाने चाहिए 100% एफिशिएंसी के लिए, लेकिन वास्तव में वो कितना लिफ्ट कर रही है 1600, तो कितना कम रह गया 200 न्यूटन कम रह गया।
इसका इस्तेमाल कौन की बार होगा, मास कोई कुछ भी ना करे, अगर कहा तो मास कोई ना रिकॉल है। अब किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करो। बेटा अगर आप किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो। बेटा एफिशिएंसी के बाद बताना। देखो एफिशिएंसी आपने निकाल दी 88 पॉइंट, वो कह रहा है अगर मशीन आपकी फ्रैक्शन लेस हो, फ्रैक्शन लेस के केस में एफिशिएंसी आपको 100% लेनी होती है। जिस मशीन की एफिशिएंसी 100% होगी वो फ्रैक्शनल लेस रहेगी, इसका मतलब उसमें कोई भी उसका लोड फ्रैक्शन में लॉस नहीं हो रहा। तो बेटा एफिशिएंसी को हमने क्या मानना, 100%, और उस केस में आपको W की वैल्यू निकालनी है, ये कह रहा है। तो एफिशिएंसी बराबर क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। ये 100% होगी तो 100 बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। 100 से 100 कट गया, दैट मीन मैकेनिकल एडवांटेज बराबर आ गया वेलोसिटी रेशियो। और मैकेनिकल एडवांटेज होता है W अपॉन पी, और वेलोसिटी रेशियो आपने निकाला 3, तो W बराबर कितना आ गया 3 P, दैट मीन 600 कितना आ गया 1800 न्यूटन। तो W की वैल्यू क्या आ गई 1800 न्यूटन। अब वो पूछा कितना एडिशनल, वास्तव में वो कितना रे उठा रहा है 1600 न्यूटन, उसको उठाना कितना चाहिए 1800 न्यूटन, तो कितना एक्स्ट्रा चाहिए, एडिशनल कितना चाहिए 1800 - 1600, दैट मीन 200 न्यूटन। अब किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट करोगे। ये तीन न्यूमेरिकल है जो आपको घर से करनी है, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल 6.21 मैं करा देता हूँ, ये दोनों आपको घर से करनी है। तो 6.21 न्यूमेरिकल है वो लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, साथ नोट करते रहिए। इन डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल, दैट मीन जब डिफरेंशियल है तो देर आर टू डायमीटर ऑफ एक्सल विद एक्सल डायमीटर आर कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, दैट मीन D1 और D2 की वैल्यू आपको दी है इसमें, ठीक है। वाइल द डायमीटर ऑफ व्हील इज 40 सेंटीमीटर, वाइल द डाया मीटर ऑफ व्हील इज 40 सेंटीमीटर, क्लियर है। कैलकुलेट क्या क्या वेलोसिटी रेशियो, और आपको वेलोसिटी रेशियो निकालना है, और सेकंड आपको निकालना है
इसमें आगे लिखो इफ एन एफर्ट ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड बाय ए लोड ऑफ 2000 न्यूटन, 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाता है, 2000 न्यूटन ये उठाता है। कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज आपको निकालना है। नंबर एक, नंबर दो पे आपको जो निकालना है एफिशिएंसी। पहले वेलोसिटी रेशियो निकालो, मैकेनिकल एडवांटेज निकालो और फिर आपका एफिशिएंसी निकालिए। तो तीन चीज़ें आपको निकालनी है। देखो बेटा, फर्स्ट चीज जो आपको गिवन है वो लिखिए। आपको क्या गिवन है? D1, स्मॉल में D1 गिवन है 15 सेंटीमीटर, D2 आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर और कैपिटल D आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर। E की जो वैल्यू गिवन है वो 200 न्यूटन है, W की जो वैल्यू है 2000 न्यूटन है। ओके, तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या था अभी कराया था डिफरेंशियल के लिए? 2D/D। तो वैल्यू पुट करिए, 2D कितना है 40, ये कितना 50 - 10, दैट मीन कितना आ गया? इसको करोगे तो 80 और इसमें से इसको करोगे तो 5, कितना बच गया 60, ये 16 टाइम कटेगा। तो वेलोसिटी रेशियो निकल के कितना आ गया 60। अब आपको निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? W/P। W कितना गिवन है 2000 न्यूटन, ये कितना गिवन है 00, 2 1 जा और 2 10 जा, दैट मीन मैकेनिकल एडवांटेज आपका आ गया 10। ठीक है, इसके बाद एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। मैकेनिकल एडवांटेज 10, ये कितना 16, ये कितना, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 62.5%। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो बेटा। किसी बच्चे को कोई कमेंट है तो प्रॉब्लम करो, सॉरी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो। यस और नो? बेटा जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है वो कमेंट करो। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपनी अटेंडेंस कमेंट करो।
बेटा ललित दो बार कमेंट क्यों कर रहा है? ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यही ऑफ करते हैं। अगर कोई बच्चा वगैरह अटेंडेंस रहता है तो कमेंट कर सकता है एक मिनट के अंदर। विद इन वन मिनट आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स टू ऑल।